नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स मैनिया। भारतीय टीम वर्ल्ड कप में अपने अभियान से पूर्व मंगलवार को कार्डिफ में बांग्लादेश के खिलाफ होने वाले अपने दूसरे और अंतिम अभ्यास मैच में वापसी कर अपने हर विभाग को चाक चौबंद करने की कोशिश करेगी। टीम इंडिया को अपने पहले अभ्यास मैच में बल्लेबाजों की नाकामी के कारण न्यूजीलैंड के हाथों करारी हार झेलनी पड़ी थी और यह मैच भारतीय समयानुसार दोपहर 3 बजे से खेला जाएगा। खिताब के प्रबल दावेदार भारत की इंग्लैंड पहुंचने पर शुरुआत अनुकूल नहीं रही और उसे ओवल में पहले अभ्यास मैच में न्यूजीलैंड से 6 विकेट से हार झेलनी पड़ी। इस मैच के लिए मौसम विभाग ने बारिश की भविष्यवाणी की है और ऐसे में मैच देर से शुरू होने की संभावना है। अगर बादल छाए रहते हैं तो तेज गेंदबाज इसका फायदा उठा सकते हैं। वैसे कार्डिफ में बड़े स्कोर बनते रहे और ऐसे में रोहित, धवन और कोहली बड़ी पारियां खेलने की कोशिश करेंगे। नंबर 4 को लेकर लंबे समय तक चर्चा चलती रही, लेकिन पिछले मैच में केएल राहुल इस स्थान पर उतरे और उन्हें फिर से ये जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। रविंद्र जडेजा ने 50 गेंदों पर 54 रन बनाकर विश्व कप के लिए अंतिम एकादश में जगह बनाने के लिए अपना दावा मजबूत कर दिया है और भारतीय गेंदबाज की अगुवाई फिर से जसप्रीत बुमराह ही करेंगे। पिछले मैच में उन्होंने 4 ओवरों में 2 रन देकर 1 विकेट लिया। भारत ने 2 विकेट जल्दी निकाल लिए थे, लेकिन गेंदबाज इसका आगे फायदा नहीं उठा पाए और बांग्लादेश के खिलाफ टीम इस तरह की छोटी छोटी कमियों से निजात पाने की कोशिश करेगी। बांग्लादेश को विश्व कप से पहले अब तक अभ्यास का मौका नहीं मिला है। पाकिस्तान के खिलाफ उसका पहला मैच बारिश के कारण बिना गेंद फेंके ही रद्द हो गया था, लेकिन इससे पहले बांग्लादेश ने आयरलैंड में त्रिकोणीय सीरीज जीती जहां की परिस्थितियां लगभग समान हैं। ऐसे में बांग्लादेश की टीम परिस्थितियों से बेहतर तालमेल बिठा सकती है और भारत को सतर्क रहने की ज़रूरत है। तो गाइज, आपके क्या है ख्याल कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और प्रेस कीजिए बेल आइकन को फ्यूचर नोटिफिकेशंस के लिए। धन्यवाद।